आप देख रहे हैं एनसीआर एक्सप्रेस न्यूज। एनसीआर और देश के मुख्य समाचारों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्रेटर नोएडा के शारदा विश्वविद्यालय के छात्र आज बिलासपुर कस्बे के कृषि फार्म, जो संजय भैया का कृषि फार्म है, वहां पर पहुंचे और उन्होंने किसानों को जैविक खेती के लिए जागरूक किया और बताया कि इस खेती से क्या क्या लाभ होते हैं। आज हम लोग बिलासपुर गांव में आए धनकौर के पास। यहां पे हम लोग संजय भैया के ये खेत में आए हैं और संजय भैया कुछ दिन पहले शारदा विश्वविद्यालय गए थे। वहां हमारे प्रोफेसर एच एस गौड़ सर, जो डीन है हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, तो उनसे इनकी मुलाकात हुई थी और सर ने इन्हें बोला था कि हम लोग शारदा विश्वविद्यालय से जो भी यहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं, टीचर्स प्रोफेसर हैं, वो यहाँ पे आके और बताएंगे इनको कि किस तरह से ये ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, तो किस तरह से उसे और अच्छे से अच्छा किया जा सके। और इसी संदर्भ में आज हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ पे हम लोग आज संजय भैया से मुलाकात हुई है। इन लोगों ने अपना ये फसल दिखाया है और हम लोगों ने मिलकर इन्हें बताया किस तरह से आगे और अच्छा किया जाए। और ये इस साल शुरू किए हैं और अगले 2-3 सालों में इनका और अच्छा होगा, तो इसी के संदर्भ में हम लोग आज यहाँ पे जानने आए। अच्छा, जैविक खेती जो की जाती है, सबसे बड़ा फायदा इससे क्या है? जैविक खेती से देखिए फायदा ये है कि आज के टाइम में जहाँ भी सब्जियाँ मिलती है, फसल जो भी उगाते हैं, तो उसमें बहुत सारे कीटनाशक केमिकल्स डाल के करते हैं जिससे कि कहीं ना कहीं हमें हानि पहुँचती है। तो आजकल सबसे बड़ा बात क्या है कि किसान या फिर सरकार जो भी है तो फायदे खोजते हैं लोग, तो इस चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल डाल देते हैं। तो जैविक खेती से ये फायदा होगा कि सेहत सही रहेगा, तो अगर जैविक खेती और मिट्टी भी जो है वो अच्छा रहेगा और पर्यावरण तो लोगों के पर्यावरण भी बचाना है, तो इन सबों को लेकर जैविक खेती करना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, इसमें क्या खास करना पड़ता है और खेती के बजाय, जैसे लोग और खेती करते हैं उसके बजाय ये जो और ये जो जैविक खेती होती है, इसमें किस तरीके से ये बुलाई करनी पड़ती है, क्या मटेरियल लगाना पड़ता है? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, इसमें वही है कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज़ करना होता है। गोबर ज़्यादा यूज़ करें हम लोग, ये ज़्यादा सही रहता है। और वर्मी कंपोस्ट, FYM, ये सब यूज़ करें। केमिकल्स जितने भी हैं वो हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि केमिकल यूज़ करने से फिर वही हो जाए, केमिकल वाली वजह। क्रॉप रोटेशन करना चाहिए, अलग अलग क्रॉप्स जो है, इंटरक्रॉपिंग, ये सब लगाना चाहिए। हमारे साथ वो किसान भी मौजूद हैं जिसके खेत में ये, यहाँ कई दर्जन स्टूडेंट ग्रेटर नोएडा से आए हुए हैं निरीक्षण करने, संजय भैया, जो एक क्षेत्र में एक अभियान भी चलाने वाले हैं जिससे लोग जैविक खेती के प्रति जागरूक हो। संजय भैया, क्या आप करने जा रहे हैं विशेष, आप ये यहाँ आपने यहाँ शुरुआत की है जैविक खेती की? अभी तो बेसिकली हमने शुरुआत की है जैविक खेती की ही, क्योंकि अभी जो हम देख रहे हैं आज की डेट में, हम हर तरह से बात अगर हम करें पर्यावरण की, तो हर जगह हम सिर्फ जहर घोलने में लगे हैं, चाहे वो हवा हो, पानी हो, ज़मीन है या हमारा खाना है, और इवन हमारी जो भाषा जो हम बोलते हैं उसमें भी हम जहर ही उगल रहे हैं। तो ये एक ख्याल आया कि भाई इसको कैसे हम कम, पहले मन में आया था कि अपने लिए तो एटलीस्ट हम उगाएं, जो हम अपने लिए घर में यूज़ कर रहे हैं उसके लिए हम सब्ज़ी उगाएं इस तरह की, और अनाज इस तरह के उगाएं कि जिसमें ये खाद और ये दवाइयों का इफ़ेक्ट ना हो। लेकिन फिर सोचा कि थोड़ा सा बड़े लेवल पर इसे करें, तो तभी उसके बाद ये शुरुआत की है हमने। अच्छा, इसमें जैविक खेती में और आम खेती जो लोग करते हैं उसमें क्या खास फ़र्क नज़र आता है? फ़र्क तो सारा ही है। फ़र्क है, पहली बात तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसका फ़र्क है, क्योंकि लागत बहुत ज़्यादा है, मेहनत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ तो हम क्या होता है अपना खरपतवार हुआ, दवाई स्प्रे कर दिया, लेकिन यहाँ लेबर बहुत लेबर लगती है हर चीज़ में, खुरपी से सारा काम है यहाँ। और दूसरा, मंडी का बहुत बड़ा इशू है, मार्केट ढूंढना बहुत बड़ा इशू है कि भाई, क्योंकि हमें यहाँ जागरूकता बिल्कुल नहीं है ऑर्गेनिक और जैविक खेती के बारे में, लोगों को पता नहीं है, मार्केट्स में पता नहीं है, तो ये सारी बहुत बड़ी समस्याएं हैं अभी जो हमें फेस करनी पड़ रही हैं और शायद अभी आगे और करनी पड़ेंगी। बट आप लोग सब साथ हैं तो शायद ये इन्हें हम फेस करने में। फ्यूचर क्या योजना है? आप अभी बता रहे थे स्टूडेंटों को कि इसके लिए हम दवाइयों का फ्यूचर इंतजाम करेंगे। नहीं, फ्यूचर की योजना यही है कि हम पहले तो कोशिश करेंगे जो इसमें दवाइयाँ जो हम यूज़ करते हैं वो अपनी हम बना सकें, क्योंकि एक डॉक्टर साहब हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो करीब 2 साल पहले उन्होंने मुझे कहीं यहीं कस्बे में, शायद मेरी कोई फ़ोटो लगी हुई देगी चुनाव टाइम में, और उन्होंने मुझे कॉल किया था, उस टाइम में यहाँ मौजूद नहीं था, तो फिर वो कहीं से पूछते पूछते फिर यहाँ फार्म पे आ गए, यहाँ फादर से मुलाकात हुई उनकी, पापा यहाँ मिले,
तो उन्होंने देखा लैंड है काफ़ी, तो शायद उनके दिमाग में उसी टाइम ये ख्याल आ होगा। हालांकि उन्होंने मुझसे वो डिस्कस नहीं किया कभी, मुझसे उस बारे में बात उन्होंने नहीं की। एक साल तक लगभग हम लोगों की फ़ोन पे बात होती रही, मुलाकात कभी हुई नहीं और फ़ोन पे इसी तरह से बातें होती रहीं। और उसके बाद फिर मुलाकात हुई लास्ट दिसंबर में शायद हमारी मुलाकात हुई थी। तो उसके बाद फिर हम बैठे और बातें हुई, तो बातों में बात निकल पड़ी कि भाई क्यों ना हम इस तरह का कोई स्टार्टअप स्टार्ट करें। तो अच्छा लगा आइडिया मुझे, क्योंकि मैं खुद भी चाहता था कि कुछ, मैं पहले चाहता था सिर्फ छोटे लेवल पे, बट जब उनसे मुलाकात हुई तो लगा कि शायद कुछ बड़े लेवल पे हम लोग कर सकते हैं। और उनसे जब बात होने के बाद दिमाग में आई, मोटिवेशन मिला, तो फिर हमने स्टार्ट किया। उसके बाद ये भी था कि भाई आने वाले टाइम में 2-3 साल बाद हम अपनी एक कंपनी भी हम सोच रहे हैं रजिस्टर्ड करा के, फर्म रजिस्टर्ड कराएं और अपना एक ब्रांड बनाएं और अपनी ही पैकेजिंग और अपना ही सब एक छोटा सा एक प्लांट लगा के हम उसे तैयार करेंगे, अपने स्टोर बनाएंगे। दूसरा जो एक बहुत बड़ी बात वो भी थी कि हम चाहते ये भी थे कि किसानों को भी इसके लिए जागरूक किया जाए, क्योंकि हम खुद तो कर ही रहे हैं, हम चाहते हैं और भी किसान इस पर, उसमें क्या किसान अभी क्या गेहूं और चावल दो ही फसलें हम यहाँ उगा पा रहे हैं, उसमें जाते हैं मंडी में कोई रेट हमें मिलता नहीं है, किसान का बस वही है कि खा रहे हैं और चबा रहे हैं, खा रहे हैं चबा रहे हैं, वही चल रहा है। वो बहुत बड़ा ना इसमें कोई बेनिफिट मिल पा रहा है और ना कोई और ऐसी चीज़ें हैं। तो इसमें लग रहा है कि ऑर्गेनिक्स का, क्योंकि आगे जो समय है बदल रहा है, तो उम्मीद है कुछ अच्छा होगा। तो उसके लिए हम एक सोच रहे हैं छोटा सा ट्रेनिंग सेंटर भी डॉक्टर साहब के और आप सब के साथ मिलके उसे भी कोशिश करेंगे, जिससे हम किसानों को जागरूक कर सकें उसके लिए। अभी आप ये कितनी ज़मीन है जिस पर ये खेती कर रहे हैं? अभी जो हम ये 10 एकड़ ज़मीन में अभी हमने स्टार्ट किया है इसे, और इसे अगर हमारा भगवान ने सब ठीक रखा और आप सबका सहयोग साथ रहा, तो सोचेंगे इसे हमारा जो प्लान है कम से कम 100 एकड़ पर ले जाने का हमारा, इसका अगले 3 से 4 साल में ले जाने का हमारा इसका प्लान है। लोगों की भी भलाई होगी। ये स्टूडेंट जहाँ मौजूद हैं, ये नाशपाती का पेड़ है, बताया जाता है इस सीजन में ये सूख जाता है, बाद में हरा हो जाता है। और ये भी मेरा बेस्ट मार्केट है।